हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। हमारा जो आजकल का टॉपिक चल रहा है पेडागॉजी का, उसमें इससे पहले वाली वीडियोस में आप देख सकते हैं मैंने आपके साथ थ्योरीज डिस्कस करी थी, राइट। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो राइट टू एजुकेशन 2009 और 2010 से है, उसमें जो अमेंडमेंट किया गया था उसके बाद 2010 में किया गया था, तो वो आज डिस्कस करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अवर पेडागॉजी सिलेबस, क्योंकि आरटीई से जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कंपलसरी एजुकेशन आता है, फ्री ऑफ एजुकेशन आता है फॉर 6 to 14 ईयर्स स्टूडेंट्स के लिए, और इसमें आर्टिकल्स आते हैं कुछ, और जो अमेंडमेंट किए गए थे वो हैं, सेशंस हैं, तो और इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, और इसी के द्वारा कुछ प्रिंसिपल्स लागू किए गए थे हमारी एजुकेशन के लिए, कि ये प्रिंसिपल्स उसमें होने चाहिए जिसके अकॉर्डिंग ही एजुकेशन स्कूल में दी जानी चाहिए, ठीक है। और एक रेशियो भी प्रोवाइड किया गया था कि कितने स्टूडेंट्स के ऊपर कितनी टीचर्स को रखा जाना चाहिए। लाइक होता है ना, क्लासरूम में 30 स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसके ऊपर एक टीचर होनी चाहिए। तो अच्छा, अगर 31 स्टूडेंट्स हो गए, फॉर एग्ज़ाम्पल 31 स्टूडेंट हो गए, तो क्या उसके ऊपर एक ही टीचर होनी चाहिए या दूसरी टीचर को आना चाहिए? तो बच्चे कई बार क्या करते हैं कि जो रेशियो है, लाइक ये 1 और 30 वाला, कि 30 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर रखी जाएगी क्लासरूम में, ठीक है, वो उनका ध्यान रखेगी। लेकिन अगर यहाँ पे 31 स्टूडेंट्स हो गए क्लासरूम में एडमिशन के टाइम पे, तो क्या यहाँ पे एक ही टीचर रहेगी या सेकंड को हम अपॉइंट करेंगे? तो काफ़ी बच्चे इसका आंसर एक ही टीचर लेकर आते हैं, लेकिन वो गलत है। यहाँ पे जैसे ही रेशियो इंक्रीज़ होगी 30 के बाद, क्या एक बच्चा बढ़े, दो बच्चे बढ़े या तीन बच्चे बढ़े, यहाँ पे टीचर्स की रेशियो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि 31 से 60 तक के बीच के जितने स्टूडेंट्स इंक्रीज़ होंगे उनका यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, टीचर्स भी वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं आरटीई, यानी कि राइट टू एजुकेशन आरटीई 2009, ठीक है। सबसे पहली बात, जो हमारे संविधान संशोधन किया गया था 86, यानी कि जो अमेंडमेंट के द्वारा 86 किया गया था, 86 अमेंडमेंट के द्वारा संशोधन जो किया गया था उसके द्वारा आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन को रखा गया था, ठीक है। उसके बाद किसके द्वारा, आर्टिकल 21 ए के अकॉर्डिंग बोला गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रखी जानी चाहिए। वो हमारा सेशन 3 के अंदर भी हमें बताया गया था, तो आप नोट कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट आर्टिकल पूछते हैं, आर्टिकल 21A फॉर किसके लिए है, फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। ये 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए रखा गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन स्कूल में दी जानी चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या हैं, एडमिशन लेने के लिए आएँ। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता था कि जो बहुत गरीब परिवार के लोग होते हैं वो अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही लेबर चाइल्ड और इन सब चीज़ों में लगा देते हैं काम करने के लिए, क्योंकि घर की जो आर्थिक स्थिति होती है, फाइनेंशियल कंडीशन होती है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करा सके, स्कूल में भेज सके, उनके लिए किताबें खरीद सके, उनके लिए बाकी फैसिलिटीज़ का इंतज़ाम कर सके। तो इसीलिए बच्चे क्या है, स्कूल में जाते ही नहीं थे, तो वो गरीब परिवार के जो फैमिलीज जो पुअर लोग थे, उनकी जो फैमिलीज थी वो जो नीचे की होती है पुअर रेशोज से, तो वो लोग अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड ही नहीं कराते थे। तो इसीलिए उस दर को कम करने के लिए, कि वो गरीब जो साक्षरता दर है उसको कम करने के लिए 86 अमेंडमेंट के द्वारा, आर्टिकल 21A के द्वारा ये बात रखी गई थी कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का राइट दिया जाए, कि उनको कुछ भी खर्च नहीं किया जाएगा, उनको घर स्कूल के अंदर मिड डे मील भी प्रोवाइड कराया जाएगा, उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड कराई जाएगी, उनको बुक्स भी प्रोवाइड कराई जाएगी और अदर फैसिलिटीज़ भी उनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जिससे जो गरीब परिवार के लोग हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना
स्टार्ट कर सके। इसके बाद 2009 के बाद ये जो हमारा राइट टू एजुकेशन 2009 है, इसके बाद 2010 में इसमें एक संशोधन हुआ था जो 1 अप्रैल 2010 में किया गया था। उसके द्वारा क्या किया गया था, 1 अप्रैल 2010 के संशोधन यानी कि अमेंडमेंट के द्वारा इसमें जो ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है वो पूरे देश यानी कि पूरे भारतवर्ष देश में इंडिया में कंपलसरी कर दिया गया था, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ के। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि इसमें नेक्स्ट संशोधन कब किया गया था, जो अमेंडमेंट हुआ था इसके अंदर वो नेक्स्ट हुआ था आपका 1 अप्रैल 2010। ठीक है, तो इसमें पूरे इंडिया में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रखा गया था फॉर अ 6 to 14 ईयर्स चिल्ड्रंस के लिए, कि उनको स्कूलों में लाया जाए और एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, जिससे बच्चे क्या है जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको के ऊपर किसी प्रकार का बर्डन ना आए। लेकिन जम्मू कश्मीर से अलग, जम्मू कश्मीर में ये अमेंडमेंट, ये आर्टिकल और ये संशोधन लागू नहीं किया गया था। ठीक है, उसको छोड़कर पूरे भारतवर्ष यानी कि पूरे इंडिया में ये वाला आर्टिकल 2010 में दोबारा से संशोधन के द्वारा 21A आर्टिकल के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद कुछ सेशंस रखे थे इसके अंदर, सेशन 3 यानी कि धारा 3 के अंदर बोला गया था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स चिल्ड्रन के लिए, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, जो आर्टिकल 21A था उसी को धारा 3 के अंदर बोला गया था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कराई जाए 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, और जो किसी भी क्लास में एडमिशन लेने का प्रावधान था। मतलब अगर बच्चों की उम्र, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि किसी बच्चे की 6 साल की उम्र है, 5 साल में स्कूल आना स्टार्ट करता है, तो वो 6 साल का बच्चा है, 6 साल में स्कूल आना शुरू करेगा, तो उसको फर्स्ट क्लास में, और 7 ईयर्स का कोई बच्चा होगा या 8 ईयर्स का कोई बच्चा होगा तो उसको उसकी एज के अकॉर्डिंग ही उसी क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। मतलब उसको सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास में डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद है सेशन 5 जिसमें ट्रांसफ़र का रखा गया था। ट्रांसफ़र मतलब जो बच्चे किसी भी स्कूल के या अन्य स्टेट से, जो अदर स्टेट्स के बच्चे हैं या कहीं और से आए हैं, उनके ट्रांसफ़र का वो रखा गया था कि आपको अपनी इच्छा से अपने स्कूल घर के पास वाले स्कूल्स में किसी में भी अपने अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र ईजीली करवा सकते हैं। ये हमारा सेशन 5 के अंदर बोला गया था यानी कि धारा 5 में। ठीक है, उसके बाद आता है धारा 6 यानी कि सेशन 6, बिल्ड द स्ट्रक्चर फॉर स्कूल्स विद इन 3 ईयर्स। इसके अंदर बोला गया था कि स्कूल का ढांचा, एक धारा कौन सी है, हाँ धारा सेशन 6 में बोला गया था कि जो एक स्कूल का स्ट्रक्चर हो, ढांचा तैयार किया जाए वो, और स्कूल की बिल्डिंग बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय 3 साल में पूरी कर ली जानी चाहिए, जिससे बच्चों के लिए एजुकेशन पे ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। कई बार रिकंस्ट्रक्शन होता है स्कूल्स में, और उनके जो बिल्डिंग और स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है अगर ज़्यादा टाइम के लिए बंद कर दिया जाता है तो बच्चों के एजुकेशन पे फ़र्क पड़ता है, तो इसीलिए उसका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम 3 ईयर्स का रखा गया था। ठीक है, तो इसमें बोला था कि निर्धारित सीमा में विद्यालय स्थापित करना होगा तथा बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए 3 वर्ष से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। उसके बाद आता है सेशन 16 यानी कि एडमिशन का। सेक्शन 16 में बोला था कि किसी भी स्कूल के द्वारा स्कूलों में दाखिला लेने से रोका नहीं जाएगा, ना ही बाहर निकाला जाएगा। अगर आप पहले से ही किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप किसी और स्कूल में जाना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ना रोका जाएगा ना बाहर निकाला जाएगा। और एक और चीज़ इसी सेशन के अंदर रखी गई थी 16 में, कि अगर बच्चा कोई गलती करता है या उसको ऐसी कुछ भी चीज़ इलीगली करते हुए पकड़ा जाता है तो भी उसे किसी भी कंडीशन में स्कूल से बाहर निकालने का प्रावधान नहीं होगा। मतलब उसको स्कूल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल, एज अ एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस बच्चे की गलती को सुधारें और उसको ठीक करें। जो बोलते हैं ना कि स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा या 3 बार फेल होने के बाद बाहर निकाल दिया जाएगा, इस वाले जो रूल्स को था उसको ख़त्म किया गया और किसी भी कंडीशन में बच्चे को स्कूल से बाहर ना निकालने का वो रखा गया था कि बच्चे को 6 to 14 ईयर्स में किसी भी रूप में उसकी एजुकेशन
पूरी करनी है प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा मीन्स फर्स्ट टू एट क्लास की, ठीक है, जिसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रखी गई थी हमारी 21A आर्टिकल के अंदर। उसके बाद लास्ट है हमारा सेशन 27, डू नॉट अपॉइंट द टीचर्स फॉर द नॉन टीचिंग थिंग्स। किसी भी शिक्षक को, किसी भी टीचर्स को किसी भी नॉन टीचिंग काम के लिए अपॉइंट नहीं किया जाएगा। सिर्फ दो चीज़ों के लिए उन्हें आप अपॉइंट कर सकते हैं, एक तो जनगणना के लिए, जो आपकी मृत्यु दर और जन्म दर की जनगणना होती है उसके लिए, वो भी आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी स्थिति में ओनली, और सेकंड आप उसको जो ये हमारे इलेक्शंस होते हैं, आप ज़्यादातर देखते हैं इलेक्शंस में जो उनकी ड्यूटीज़ लगती है वो केवल टीचर्स की लगती है, ठीक है। तो इन दो को छोड़ के आप किसी भी कार्य के लिए टीचर्स को अपॉइंट नहीं कर सकते अंडर सेशन 27, ठीक है। अब इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ आरटीई, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आरटीई की, ठीक है, राइट टू एजुकेशन की। जब हम कोई भी रूल्स बनाते हैं, रूल्स और रेगुलेशन, उसकी जो बुनियाद होती है उसकी कुछ ना कुछ तो विशेषताएं होंगी, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स आपने सेट किए ही होंगे कि इसीलिए ये रूल्स बनाए जा रहे हैं, इसीलिए बच्चों के लिए ये चीज़ें रखी जा रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए आरटीई के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर कि शिक्षा विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर स्कूल से छूटे बच्चों की तलाश करेंगे। मतलब जो बच्चे ड्रॉप आउट हो चुके हैं या फिर किसी रीज़न से स्कूल नहीं गए हैं, या गरीब फैमिली के हैं, बहुत ज़्यादा उनकी पॉवर्टी वगैरह नहीं है, या फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि जिनको रूल्स नहीं पता, जिनको आर्टिकल्स नहीं पता, ये सारे कानूनी रूल्स नहीं पता, तो उनको जाके आपको सर्च करना है। उन टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप घर घर जाके उनको सर्च करें, उन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को राइट टू एजुकेशन के बारे में बताएं कि आपको एक पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, वो गवर्नमेंट के थ्रू 6 to 14 ईयर्स के बीच में आपको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है। फर्स्ट आपका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड है, बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। सेकंड इज, किसी भी कंडीशन में 6 to 14 ईयर्स या एलिमेंट्री लेवल तक, फर्स्ट टू एट क्लास तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा किसी भी कंडीशन में। ये क्यों रखा गया था? क्योंकि बहुत से बच्चों के सामने ये केस आया था कि बच्चे इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं या सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी, इसीलिए फर्स्ट टू एट क्लास का जो, और इसीलिए भी ये चीज़ रखी गई थी क्योंकि जो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, मान लीजिए जो आउटसाइडर होते हैं, दिल्ली के नहीं होते हैं या कहीं और से आके अपनी एजुकेशन यहाँ पे पूरी कर रहे होते हैं, तो उनके साथ थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है या हिंदी वो ठीक से नहीं बोल पाते, क्योंकि हर कोई बच्चा जब अपने घर से एजुकेशन सीखना स्टार्ट करता है तो वो अपनी मदर टंग में बोलना स्टार्ट करता है, तो वो कोई भी हो सकती है। अब तेलुगु साइड्स के जो साउथर्न और नॉर्थर्न साइड्स के बच्चे हैं, उनकी जो मदर टंग है वो अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, तो इसीलिए बच्चे उसी में अपना फ्लुएंसी रहती है। तो इसीलिए बच्चे क्या होते हैं, जब एजुकेशन प्रोवाइड यहाँ पे कराई जाती है बच्चों को, तो बच्चे उस कंडीशन में ठीक से उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं जिससे वो अपना एजुकेशन में अच्छा स्कोर कर सके, और उस कंडीशन में बच्चे क्या है, फेल होते जाते हैं। मतलब उनकी उम्र बढ़ती जाती है लेकिन वो क्लास पास आउट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट टू एट तक ये रूल किया गया गवर्नमेंट के थ्रू कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, सभी को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के टूवर्ड्स किसी को फेल नहीं किया जाएगा थ्रू आरटीई सेशन 27 एंड आर्टिकल 1 अप्रैल 2010 से ये लागू किया गया था, ठीक है। इसके बाद आता है प्रत्येक शिक्षक न्यूनतम 45 आवर्स वीक में अनिवार्य रूप से कार्य करेगा। मतलब टीचर्स के लिए ये कंपल्सरी किया गया कि एक वीक में आप लगा लीजिए, आपके एक दिन में 24 घंटे होते हैं, या हमारे जो हमारा
स्कूल का टाइम होता है वो 5 to 6 hours का होता है, तो इसीलिए टीचर्स के लिए रूल रखा गया कि एक वीक के अंदर वो उसको 45 hours अपना वर्किंग आवर्स पूरा करना ही है, इट्स कंपल्सरी, ठीक है, 45 hours, इसको याद रखिएगा, 45 hours मैं लिख देती हूँ, 45 hours फॉर अ टीचर. स्टूडेंट्स के लिए नहीं था ये, टीचर्स के लिए था कि 45 hours टीचर्स को अपने पूरे करने हैं विद इन वन वीक. ठीक है, उसके बाद आता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्षेत्र के प्रशासन द्वारा जिसका कोई संविधान सभा नहीं है उसने स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में केंद्र सरकार उत्तरदायी रहेगी. मीन्स अगर किसी जगह पर कोई स्कूल है और वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसको अपने अंडर में नहीं लेती है या किसी उसको अनिवार्य या एक जो रूल्स और पॉलिसी के थ्रू उसको पास आउट किया जाता है, अथॉरिटीज मिलती हैं, तो इसीलिए वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट उसका रखरखाव करेगी. किसी भी बच्चे को कक्षा 8 तक फेल नहीं किया जाएगा, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ, प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है आपकी, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो आपकी फर्स्ट एजुकेशन होती है ना, इट मींस प्रारंभिक शिक्षा मींस कि जो आपकी फर्स्ट टू 8 क्लास तक की एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, ठीक है, वो रखी गई थी. इस अधिनियम के अनुसार यानी कि RTE 2009 और RTE संशोधन के बाद 2010 के अनुसार एक शिक्षक के ऊपर 40 बच्चे होंगे, ठीक है, ये RTE के अनुसार है. जो हमारा कोठारी कमीशन था, एज पर कोठारी कमीशन जो रेशो रखा गया था वो 1:30 रखा गया था, और एज पर RTE वो 1:40 रखा गया था, ठीक है. RTE 2009 और 2010 में बोला गया था कि 40 बच्चों के ऊपर क्लासरूम में 40 की जो रेंज रखी जाएगी स्टूडेंट्स की, उसके ऊपर हमारा एक टीचर कंपलसरी होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा. लेकिन कोठारी कमीशन के द्वारा इसको कम किया गया क्योंकि 40 स्टूडेंट्स एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं प्राइमरी स्कूल्स में, क्योंकि बच्चे इतने जब बच्चों की ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है, रेंज ज़्यादा हो जाती है, तो बच्चे उतने ही संभालने मुश्किल हो जाते हैं, मुश्किल भी, और दूसरी बात बच्चों पे इतना फोकस भी नहीं रह पाता. जितने कम बच्चे होंगे तो आप मदर टीचर के थ्रू उसको ज़्यादा फोकस बच्चों पे रख सकते हैं, एक एक बच्चों के ऊपर ज़्यादा फोकस और ज़्यादा टाइम आप दे सकते हैं. तो इसीलिए इसकी रेंज कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग थोड़ी कम की गई, तो 30 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर रखने की अनिवार्यता रखी गई थी, ठीक है. छात्रों को घर से 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल उपलब्ध कराया जाए, आरटीई के द्वारा रखा गया था कि स्कूल जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उसके लिए बच्चों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, इसीलिए 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही प्राइमरी स्कूल्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए. हर 1 किलोमीटर के अंदर आप चेक करना कि आपके भी घर के आसपास हर 1 किलोमीटर के अंदर आपको MCD और प्राइमरी स्कूल्स जो आपके DSSB के थ्रू अथॉराइज होते हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है. तो इसको भी याद रखना, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था कि कितने किलोमीटर दायरे के अंदर प्राइमरी स्कूल्स को होना चाहिए, तो वो 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर रखा गया है, ठीक है. स्टार्टिंग के जो 6 महीने तक बच्चों को हम दाखिला दे सकते हैं, ये भी RTE के अंदर बोला गया है. मतलब जब आपकी एडमिशन्स स्टार्ट हो जाते हैं अप्रैल में मार्च में,
आफ्टर रिजल्ट, जैसे आपका 31 मार्च को रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद 1 अप्रैल से एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो एडमिशन ख़त्म होने के बाद भी जो आपका हाफ ईयरली का सेशन है ना, 6 महीने का जो सेशन है, उसके बीच भी अगर कोई बच्चा एडमिशन के लिए आता है तो आप उसको स्कूल में दाखिला देंगे, मतलब एडमिशन देंगे, उसको मना नहीं करेंगे कि क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं और एजुकेशन पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, ये सारे रीजंस नहीं देंगे। आप 6 महीने के अंदर भी किसी भी छात्र को दाखिला देने के लिए अनिवार्यता रूप से रखा गया था RTE 2009 के तहत, ठीक है। उसके बाद आता है कि बच्चे का जब एडमिशन हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा कंपलसरी जो रिकॉर्ड आपको रखना है वो लर्निंग रिकॉर्ड बच्चे का होना चाहिए, जो एक असेसमेंट और समेटिव रिकॉर्ड्स होता है, तो बच्चे के समेटिव रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर आपको ये सारी कंपलसरी चीज़ें रखनी चाहिए कि बच्चे का लर्निंग रिकॉर्ड कितना है। इन केस अगर बच्चा आपके स्कूल को स्किप करके किसी और स्कूल्स में एडमिशन लेता है कि 8वीं तक आपके स्कूल में उसने शिक्षा प्राप्त करी, उसके बाद 9th क्लास से उसने किसी और स्कूल में एडमिशन ले लिया, तो भी वो जो सेकंड स्कूल है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फर्स्ट स्कूल से वो सारा डाटा कलेक्ट करे जो बच्चे के थ्रू रखा गया था, उसका सारा लर्निंग डाटा कि बच्चे की अभी तक की कितनी अचीवमेंट्स हुई हैं और किस रूप में, ठीक है। उसके बाद आता है जो MCD स्कूल्स और ये जो एलिमेंट्री स्कूल्स का जो खर्च होगा वो इस रूप में रखा गया था कि RTE के अकॉर्डिंग 65% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, 65% जो खर्च करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, उसके बाद 35% जो है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। जो आपका 35% है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी, लेकिन जो पूर्व के जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं ना, जैसे बांग्लादेश और ये इस साइड के जो राज्य हो गए, स्टेट्स हो गए, वहाँ पे दूसरा रूल है, वहाँ पे है 90% सेंट्रल करेगी और 10% स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ये नॉर्थर्न के लिए है, ठीक है, ये पूर्वोत्तर राज्य के लिए है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ तक समझ आ गया, उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं रोल ऑफ द टीचर अकॉर्डिंग टू RTE, ठीक है। अब टीचर का क्या रोल है, अब ये सारी बातें तो रूल्स की हो गई, प्रिंसिपल्स की हो गई, कि RTE जो एक्ट बनाया गया था उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें रखी जाए ताकि स्टूडेंट्स के लिए और जो स्कूल्स की फैसिलिटीज़ के लिए ये सारी चीज़ें जो हमने अभी तक डिस्कस करी वो थी, ठीक है। अब टीचर्स के लिए भी कुछ रोल्स रखे गए थे, कुछ रूल्स और रेगुलेशन रखे गए थे थ्रू RTE एक्ट 2009 और 2010 के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। शिक्षक का वेतन तथा सेवा नियम और शर्त सरकार द्वारा तय की जाएगी। इसके बाद जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि जितना भी खर्च होगा स्कूलों के लिए, मतलब जो बिल्डिंग्स बनाने में या बुक्स प्रोवाइड कराने में जो भी काम होता है स्कूल्स के अंदर बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारा जो खर्च वहन करेगी वो सरकार कैसे करेगी, वो इस अकॉर्डिंग रखा गया था दिल्ली में कि 65% सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी और 35% स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्यों में 90% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और 10% ओनली स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है। किसी भी स्कूल के कार्य के लिए जो भी काम होगा, जो टोटल खर्च आएगा, या आप कोई भी कमेटी बना रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसका 10% ओनली स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी, बाकी 90% पूरा खर्च सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं रोल ऑफ द टीचर एज पर RTE 2009 और 2010 के अकॉर्डिंग RTE ने टीचर्स के लिए क्या रूल्स रखे थे, राइट। टीचर्स के लिए ये रूल्स रखे गए थे, फर्स्ट जो रूल रखा था वो ये रखा था
कि किसी भी शिक्षक यानी कि किसी भी टीचर का जो सैलरी होगी, जो अदर फैसिलिटीज होगी, वो वहाँ की गवर्नमेंट तय करेगी कि उसको कितनी सैलरी देनी है, कितनी अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी है, ठीक है। सेकेंड बात ये बोली थी कि किसी भी टीचर को प्राइवेट ट्यूशंस और प्राइवेट टीचिंग, जो एक गवर्नमेंट टीचर है उसको प्राइवेट काम करने के लिए कोई भी रूल के थ्रू अकॉर्डिंग उसको अनिवार्यता नहीं दी जाएगी। मतलब वो कोई भी गवर्नमेंट टीचर जो है वो अपने लिए प्राइवेट ट्यूशंस नहीं दे सकती है घर पे, या प्राइवेट कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकती है जिससे उसकी गवर्नमेंट टीचिंग पे फ़र्क पड़े, ठीक है। एज पर आरटीई के अकॉर्डिंग ये चीज़ रखी गई थी कि प्राइवेट ट्यूशंस, प्राइवेट स्कूल्स आप नहीं खोल सकते हैं, नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं प्राइवेट एजुकेशन जब तक आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। उसके बाद आता है आरटीई के अकॉर्डिंग शिक्षकों की भूमिका, यानी कि रेशो कितनी रखी जाए। रेशो मैंने जब ये वीडियो का स्टार्ट किया था मैंने तभी आपके साथ डिस्कस किया था कि रेशो किस रूप में रखी जाएगी। रेशो इस रूप में रखी जाएगी, वो डिस्कस कर लेते हैं। रेशो ऑफ द टीचर्स अकॉर्डिंग टू आरटीई, ठीक है। आरटीई के अकॉर्डिंग जो टीचर्स की रेशो रखी गई थी वो रखी गई थी 1:30। मतलब अगर 30 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे टीचर्स, ठीक है। अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर होगी क्लासरूम के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 31 स्टूडेंट्स हो जाते हैं, एक ही स्टूडेंट बढ़ा है ना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, एक स्टूडेंट यहाँ पे बढ़ गया। तो अब आप बताइए कि एक ही टीचर होना चाहिए, यहाँ पे टीचर की रेशो इंक्रीज हो जानी चाहिए। यहाँ पे टीचर की रेशो भी इंक्रीज हो जाएगी। क्या है, एक बच्चा बढ़े या 10 बच्चे, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। जो रेशो रखी गई है वो आपकी 1:30 रखी गई है, मीन्स 30 स्टूडेंट्स पर एक ही टीचर होगी। अगर 31 स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो यहाँ पे उसके ऊपर दो टीचर्स हो जाएगी, 31 से 60 तक, ठीक है। फिर ऐसे ही 61 से 90 तक थ्री। लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ, इसके अंदर जो आपका 91 से 120 है उसके लिए 4, और 120-200 बच्चों तक के लिए 5। लेकिन अगर 200 से ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, देखिए अब यहाँ पे रेशियो आ गई 30 पे 1, 31 से 60 के बीच 2, 61 से 90 के बीच 3 टीचर्स होंगे, और 91 से 120 के बीच 4 टीचर्स होंगे, ठीक है। अब याद रखिए ये जो 121 यानी कि 1:1 से जो स्टार्टिंग है 200 तक, वो 5 टीचर्स की है क्लासरूम के अंदर। लेकिन अगर 150 यानी कि 121-150 तक 5 टीचर्स रखे गए हैं, लेकिन 150 से अधिक बच्चे हो जाते हैं, 150 बच्चे से 150 बच्चे से ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक टीचर के साथ, मतलब ये जो 5 है ना, एक टीचर के साथ एक प्रिंसिपल भी होगी, यानी कि एक टीचर प्लस 1 प्रिंसिपल, ठीक है। एक टीचर और एक प्रिंसिपल होगी। लेकिन अगर 200 बच्चों की रेशो हो जाती है, मतलब 200 तक का जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 121 से 200 के बीच यहाँ पे, लेकिन वो हम 150 तक ही रखेंगे, 150 से अगर ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो एक टीचर और एक प्रिंसिपल क्लासरूम के अंदर होंगे। लेकिन अगर 200 से अधिक बच्चे हो जाते हैं तो रेशो कन्वर्ट होके 1:40
हो जाएगा, मतलब 200 का अगर बच्चा 200 बच्चे हो जाते हैं तो रेशियो इंक्रीज होके एक के ऊपर 40 हो जाएंगे, मतलब एक टीचर के ऊपर यहाँ पे फिर रेशियो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है आरटी के अनुसार टीचिंग आवर्स कैसे होने चाहिए, मतलब टीचिंग आवर्स कितने होने चाहिए पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए आप जो टीचिंग आवर्स प्रोवाइड कराएंगे एज अ टीचर वो आपको किस रूप में रखे जाने चाहिए। प्राथमिक स्तर पर यानी कि क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए शिक्षक का न्यूनतम कार्य दिवस 200 दिन का होगा। ये सारी चीज़ें मैं लिख देती हूँ आपके लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख लीजिए, उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गई हैं कि जो आपका मिनिमम जो रेशियो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, और दूसरा कि जो टीचिंग आवर्स होने चाहिए वो कितने आवर्स के रखे गए हैं ईयर्स में, वीकली और इस तरह से, ठीक है। आवर्स ऑफ टीचिंग एज पर आरटी, ठीक है, आरटी के लिए जो आवर्स रखे गए हैं बच्चों के लिए, घंटे रखे गए हैं वो किस हिसाब से होने चाहिए वो है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए आवर्स रखे गए हैं वो मिनिमम कार्य दिवस जो होने चाहिए वो 220 यानी कि 220 डेज का होना चाहिए, मतलब 365 दिन जो आपके साल में होते हैं उसमें से प्राथमिक स्कूल के लिए यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए 220 दिन आपकी एजुकेशन प्रोवाइड करानी कंपलसरी है। उसके बाद 6 to 8 जो आठवीं तक के लिए स्टूडेंट्स हैं, सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 200 हैं, ठीक है, 200 दिन प्राइमरी स्कूल्स के लिए रखे गए हैं कि 200 डेज प्राइमरी स्कूल्स के लिए टीचिंग आवर्स होने चाहिए, डेज होने चाहिए 365 दिन में से, ठीक है। अप टू 6 to 8 के लिए जो है वो है 220 दिन यानी कि 220 डेज 6 to 8 क्लास के लिए आप टीचिंग आवर्स कार्य दिवस रखेंगे, ये हमारे डेज हैं। अब आवर्स की बात करते हैं, जो फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए आवर्स हैं वो 800 यानी कि 800 आवर्स होने चाहिए, ठीक है। 6 to 8 के लिए जो आवर्स रखे गए हैं वो 1000 आवर्स आपके कंपलसरी हैं, ठीक है। ये आपके डेज हो गए, ये आपके आवर्स हो गए, ओके। एज पर आरटी के अकॉर्डिंग ये बात बोली गई थी कि जो प्राथमिक क्लासेस हैं, जो हमारी प्राइमरी क्लासेस हैं उसके अंदर फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए 365 दिन में से 200 दिन शिक्षा देनी अनिवार्य है, एजुकेशन प्रोवाइड करानी अनिवार्य है, और उसमें 800 घंटे पढ़ाई होनी ही होनी चाहिए। और 6 to 8 के लिए 220 दिन यानी कि 220 डेज का रखा गया था कि 220 दिन एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए, जिसके 1000 घंटे आपको एजुकेशन प्रोवाइड बच्चों को करानी है, ठीक है। और ये बात भी बोली गई थी आरटी के अकॉर्डिंग कि क्लास में, क्लासरूम टीचिंग में जब भी ये डेज और ये आवर्स के लिए टीचिंग प्रोवाइड कराई जाएगी टीचर्स के थ्रू, तो टीचर को बच्चों से क्लास में 1 घंटे पहले आना है और क्लासरूम की छुट्टी होने के बाद 1 घंटे बाद जाना है, मतलब 1 घंटे पहले इसलिए आना है ताकि वो प्री प्लान कर सके कि क्या आज उसको पढ़ाना है और उसको अटेंडेंस वगैरह वो सारे अपने प्रीवियस काम पहले ही 1 घंटे पहले आके करे, ताकि बच्चों की एजुकेशन में कोई भी बीच में रुकावट ना आए। और बच्चों की छुट्टी होने के बाद 1 घंटे बाद जाए नेक्स्ट डे की प्लान करने के लिए, अपने लेसन प्लान्स बनाने के लिए, टीचिंग एड्स रेडी करने के लिए पूरा प्लान करें कि नेक्स्ट डे मुझे क्या पढ़ाना है, किस अनुसार पढ़ाना है, उसके लिए टीचिंग एड्स क्या यूज़फुल होंगी और कैसे कैसे LPs को सेट करना है, ठीक है, एक्टिविटीज़ क्या रखनी है एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये चीज़ रखी गई थी। और वीक में 45 आवर्स
टीचिंग का पर्पस रखा गया था कि वीक में टीचर को 45 आवर्स बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करानी ही करानी है. वीक में कितना? 45 आवर्स. वन वीक में 45 आवर्स. ठीक है. अब इसके बाद आता है आरटीई के अनुसार सतत व्यापक मूल्यांकन और पाठ्यक्रम. प्रत्येक बच्चे के स्तर व गति के अनुसार गतिविधि आधारित शिक्षण जरूरी है. आरटीई ने बोला था जो भी हमारा करिकुलम हो वो बच्चे की एज लेवल और उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग सेट किया जाना चाहिए, जिससे बच्चे अपने इंटरेस्ट के टूवर्ड्स किसी भी करिकुलम को इजीली पढ़ सके, समझ सके और उसका इवैल्यूएशन करते टाइम टीचर्स को भी किसी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. ठीक है. वो बच्चों की स्पीड के अकॉर्डिंग और जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग उस बच्चे का करिकुलम सेट किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू आरटीई. ठीक है. और सेकेंड चीज़, बच्चों की मदर टंग पे फोकस किया गया था कि बच्चों की जो मातृभाषा है उसमें अगर एजुकेशन यानी कि प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए दैट वेल एंड गुड. बिकॉज जो बच्चे अपने घर से शिक्षा प्राप्त करते हैं, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो उनकी फर्स्ट एजुकेशन होती है अपने पेरेंट्स के थ्रू, वो उनकी मदर टंग में ही होती है. आपने देखा होगा जैसे दिल्ली के बच्चे हैं यहाँ पे सब हिंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो वो उनकी हिंदी में होती है. आप पंजाब चले जाइए, पंजाब में क्या है, वहाँ पे बेसिकली उनकी मदर टंग पंजाबी होती है तो वो पंजाबी ही घर पर बोलते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे पंजाबी जो है स्कूल्स में कंपलसरी है. ठीक है. ऐसे ही तेलुगू साइड्स में वहाँ पे तेलुगू में लिखना पढ़ना पहले सिखाया जाता है. तो इसीलिए जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए गोल सेट्स किए गए थे वो ये रखे गए थे कि बच्चों की जो बेसिक एजुकेशन हो, जो प्राइमरी एजुकेशन दी जाए बच्चों को, वो उनकी मदर टंग के अकॉर्डिंग दी जाए. ठीक है. बाकी जो एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन होंगी बच्चे की वो आप इंग्लिश, हिंदी और कोई भी ऑप्शनल अपनी लैंग्वेज में सेट कर सकते हो, लेकिन प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन आपको अपनी मदर टंग में कंपलसरी आरटीई के अकॉर्डिंग रखी गई थी. उसके बाद आता है बालक को चिंता मुक्त बनाकर उसका सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाए. मतलब बच्चे के लिए ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए जो उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट करे. क्लासरूम टीचिंग पर ही फोकस नहीं रखना है. बच्चे के लिए एक्टिविटीज़ और बच्चे के लिए बाकी चीज़ें जो आप टीचिंग एड्स यूज़ करते हो, बच्चे के लिए जो जैसे योगा पीरियड्स होते हैं, फिजिकल एजुकेशन के पीरियड होते हैं, तो वो इसीलिए रखे जाते हैं ताकि बच्चे का जो एक मेंटल लेवल है वो भी स्टेबल रहे. आप बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कराते टाइम बच्चा शांत रहे, किसी भी तरह से हाइपर ना हो और उसका ध्यान क्या है सारा टीचिंग के टूवर्ड्स रहे. और फिजिकल एजुकेशन में बच्चे के शारीरिक रूप से ध्यान दिया जाता है कि बच्चे की प्रॉपर हाइट होनी चाहिए, बच्चा जितनी उसकी एज है उसके अकॉर्डिंग अपनी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको गेन करे. ठीक है. उसके बाद आता है बाल केंद्र शिक्षा पर बल देते हुए खेल द्वारा शिक्षण के माध्यम से बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास करना. कल वाली क्लास में मैंने इससे पहले वाले आप वीडियोस चेक करेंगे तो उसके अंदर मैंने आपको चाइल्ड सेंटर एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन पढ़ाया था, राइट. तो वो आरटीई के अकॉर्डिंग ही रखा गया था कि बच्चों को स्कूल्स में चाइल्ड सेंटर एजुकेशन दी जाए, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा दी जाए जो बच्चों के लेवल और एज के अकॉर्डिंग हो, जिससे बच्चे अपने इंटरेस्ट के टूवर्ड सीख सके. ठीक है. उससे क्या होगा, बच्चों का मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट बहुत प्रॉपर वे में आप एज अ टीचर करवा सकते हैं. उसके बाद आता है जो इवैल्यूएशन होगा, कॉम्प्रिहेंसिव और कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होता है बच्चों का, उसके लिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स अपनानी चाहिए ताकि आप बच्चे को ठीक तरह से इवैल्यूएट कर सके, उसमें किसी भी प्रकार की क्वेरीज ना आए. लाइक अ प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट स्लाइडर्स और बच्चों से बातचीत करके, ऑब्जर्वेशन कर और बच्चों का पोर्टफोलियो बनाकर, और ये सारी चीज़ें क्या हैं आप यूज़ करके रेटिंग स्केल्स और एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स और ये सारी चीज़ों के थ्रू बच्चे के लिए आप प्रॉपर इवेल्यूएशन बच्चों का कर सकते हैं. ठीक है. कॉम्प्रिहेंसिव और कंटिन्यूस इवेल्यूएशन क्या होता है,
वो जब इवेल्यूएशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको प्रॉपर वे में बता दूंगी, बिकॉज उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं प्रॉपर जो इवेल्यूएशन से रिलेटेड है, और पूरा एक चार्ट और स्केल्स है उसका, वो सभी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आता है आरटीई 2009, यानी कि आरटीई 2009 के जो उद्देश्य थे यानी कि ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या थे। यह गैर प्रवेश दिए गए बच्चों के लिए उचित आयु कक्षा में प्रवेश किए जाने पर प्रकाश डालता है, मतलब जो बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, कोई कभी स्कूल्स में नहीं जाते, उनके को खींच कर स्कूल में लाने के लिए रूल्स बनाए गए हैं कि उन बच्चों को एक प्रॉपर एजुकेशन और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन उनके लिए रखी गई है। उसके बाद आता है यह अधिनियम छात्र शिक्षा अनुपात, भवन, स्कूल के कार्य दिवस, शिक्षक के कार्य के घंटों से संबंधित मापदंडों पर प्रकाश डालता है, मतलब हमने जो अभी रेशियोज डिस्कस की है, डेज और आवर डिस्कस किए हैं, बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन डिस्कस की है, और बच्चों को 8th क्लास तक फेल ना करने के बारे में बात करी थी, वो सारी चीज़ें हमारे आरटीई एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग रखी गई हैं। उसके बाद बच्चों के ऑल ओवर डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है, बच्चों के लिए बाकी चीज़ों के लिए फोकस किया जाता है कि बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाया जाए, एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड हो, बच्चों के फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है ऑल ओवर डेवलपमेंट के साथ साथ। और उसके बाद बच्चों के लिए ऐसी मिड डे मील के लिए फैसिलिटीज़ रखी जाती हैं कि मिड डे मील प्रोवाइड कराया जाए, जिन बच्चों को खाना नसीब नहीं होता है या जो पेरेंट्स बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते हैं क्योंकि वो बच्चों के लिए बाकी चीज़ें करवाते हैं कि उनको कमाने के लिए भेज देते हैं जिससे घर में पैसे भी आए और खाना बन सके, तो इसीलिए मिड डे मील की फैसिलिटीज़ रखी गई थी कि बच्चों को स्कूल में लाने के लिए कि उनको एक वक्त का खाना दिया जा सके जिससे बच्चे पढ़ाई के लिए जिनके पेरेंट्स पढ़ाई के लिए बच्चों को स्कूल में भेज सके। ठीक है, तो ये आरटीए यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009 हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, इसके प्रिंसिपल्स क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, टीचर का क्या रोल था, और जो बाकी रेशोस थी टीचर की, रेशोस कितनी रखी गई थी, 1:30 स्टूडेंट्स रखे गए थे, और उसके बाद आवर्स कितने होने चाहिए, टीचिंग आवर्स कितने होने चाहिए, टीचिंग डेज कितने होने चाहिए पूरे ईयर में, वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आपका आरटीई एक्ट 2009 यहाँ पे फिनिश्ड होता है। इसके साथ यहाँ पे ये बात ज़रूर याद रखना, अमेंडमेंट यानी कि संशोधन 86 के थ्रू यानी कि 86वें संशोधन के द्वारा आरटीई 2009 लाया गया था, और 1 अप्रैल 2010 में इसमें संशोधन किया गया था जिसके बाद 6 से 14 साल के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रखी गई थी, और आर्टिकल 21A यानी कि 21A के अंदर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान रखा गया है। ठीक है।